नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगी बीएड फर्स्ट ईयर से मृदा प्रदूषण के बारे में। मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण, प्रभाव और इसका निवारण के क्या उपाय है कि मृदा प्रदूषण को रोका जा सके। सबसे पहले मृदा यानी कि भूमि की रचना को देखें तो यह जो है चट्टानों के चूर्ण, जीवाश्म और जल के मिश्रण द्वारा होता है। मृदा की गुणवत्ता उसमें उपस्थित पोषक तत्व, जीवाश्म, नमी और तापमान द्वारा नियंत्रण होती है। ये जो मृदा है इसमें पौधों के लिए नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस तथा पोटेशियम जो है उचित मात्रा में होते हैं, लेकिन जब मृदा जो है भौतिक या रासायनिक गुणवत्ता में व्यतिक्रम आता है तो उसकी उत्पादकता घटने लगती है और मृदा जो है इस प्रकार से प्रदूषित कहलाती है। जब मृदा में प्रदूषित जल, रसायन युक्त कीचड़, कूड़ा, कीटनाशक दवा एवं उर्वरक अत्यधिक मात्रा में प्रवेश कर जाते हैं तो उसे मृदा की गुणवत्ता घट जाती है और इसे ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण को देखें तो सबसे बड़े कारण जो है कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक है। इन तत्वों के प्रयोग से फसल तो अच्छी प्राप्त होती है, किंतु ये तत्व मृदा में एकत्र होकर उसमें जो निहित सूक्ष्म जीवों को जो है नष्ट कर देते हैं। मृदा प्रदूषण का दूसरा स्रोत नगर और कारखानों का प्रदूषित जल, अवशिष्ट पदार्थ और कूड़ा करकट है जो खाली भूमि में फेंक दिया जाता है। इसमें जो रसायन, धातु, ताप, विषैली गैस आदि भूमि में प्रवेश कर जाता है जिससे उसकी गुणवत्ता छीन होने लगती है और इस प्रकार से जो है मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। मृदा प्रदूषण के लिए अगर तीसरा कारण देखें तो सूक्ष्म जीव भी उत्तरदायी है। ऐसे सूक्ष्म जीवों में रोग जनित जीव और कुछ बैक्टीरिया विशेष रूप से जो है जाने जाते हैं। मृदा प्रदूषण के प्रभाव को देखें तो इससे जो है भूमि की उर्वरा शक्ति घटने लगती है, फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाए गए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक अपना रूप परिवर्तित कर फसलों से होते हुए मनुष्य के शरीर में भी पहुंच जाते हैं और स्वास्थ्य को जो है क्षति पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है जीव जंतुओं में भी ये प्रवेश कर जाते हैं तो मृदा प्रदूषण से ये प्रभाव होता है। मृदा प्रदूषण के निराकरण के उपाय को देखें तो यह उतना ही आवश्यक है जितना कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकना है। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए कीटनाशकों के प्रयोग पर नियंत्रण, रासायनिक उर्वरकों का जो है संतुलित उपयोग, मृत पशु, कूड़ा करकट आदि को जो है नगर से दूर गड्ढों में दबाना, भूमि को संतुलित प्रयोग करना तथा घरों से निकलने वाले मल जल को नदियों द्वारा आवासीय स्थल से दूर ले जाना महत्वपूर्ण है। तो ये था मृदा प्रदूषण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद।